नमस्कार, वी आर डिस्कसिंग एमपीसेट 2017 पेपर इन विच नाउ वी आर सॉल्विंग रियल एनालिसिस। क्वेश्चन इज लेट यूएन बी ए कन्वर्जेंट सीरीज। एक कन्वर्जेंट सीरीज गिवन है हमें, यूएन अ पॉजिटिव टर्म वेयर ईच यूएन इज ग्रेटर देन जीरो। देन फर्स्ट ऑप्शन इज The square root of un by n is always divergent। ये जो सीरीज बनेगी वो हमेशा डाइवर्जेंट होगी, वो हमें चेक करना है। तो अगर हम एक सीरीज ले un एंड दूसरी सीरीज ले अगर हम 1 by n raised to power 2p, ये दोनों सीरीज कन्वर्जेंट बनेगी। तो दिस इज ऑलरेडी गिवन कन्वर्जेंट, और ये कन्वर्जेंट होगी अगर n की जो पावर है वो 1 से बड़ी हो। दिस इज p सीरीज। So we are taking here the gm of these two term, 1 by 2. This is what geometric mean of these two series. Geometric mean kisi bhi do term ka hamesha less than hoga by arithmetic mean. So this is un plus 1 upon n raised to power tp divided by 1 by 2. This is arithmetic mean of these two term. Now, इस तरफ जो सीरीज बनेगी वो हमेशा क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, बिकॉज यू एन इज ऑलरेडी गिवन कन्वर्जेंट एंड 1 अपॉन एन रेज टू पावर 2 पी इज कन्वर्जेंट इफ इफ दिस इज वॉट 2 पी इज ग्रेटर देन 1। इस पार्ट का जो कन्वर्जेंट है वो डिपेंड कर रहा है p पे, दैट इज 2 पी शुड बी ग्रेटर देन 1 और p should be greater than 1 by 2। अगर p 1 by 2 से बड़ा है तो ये वाला जो पार्ट है राइट हैंड साइड पे जो सीरीज है वो हमेशा कन्वर्जेंट होगी। तो बाई कंपेरिजन वी कैन से कि जब भी ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन है फॉर ईच एन एंड बी एन इज कन्वर्जेंट, दिस इंप्लाइज वॉट। अगर ऐसा है तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि ए एन भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ पे जो ये जो जी एम दे रखा है, ये जो सीरीज बन रही है, दैट विल बी व्हाट यू एन का स्क्वायर रूट एंड देन दिस विल बी एन रेस्ट पावर पी। ये जो सीरीज बनेगी इज कन्वर्जेंट इफ पी इज ग्रेटर देन 1 बाई 2। अगर p 1 by 2 से बड़े है तभी ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है। अगर p less than अदर साइड, अगर p less than 1 by 2 है और इक्वल टू भी है तो ये सीरीज क्या होने वाली है, डाइवर्जेंट होने वाली है। सो हेयर वी हैव प्रूव्ड कि जब भी इस तरह की जो फॉर्म है सीरीज की, अगर इसको कन्वर्जेंट होना है तो p को 1 by 2 से बड़ा होना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे इस सीरीज में, इस केस में p कितना है, 1 by 2 ही है एग्जैक्टली। So this series is divergent. तो option A is correct. ये जो series बनने वाली is always divergent होगी। अब check करते हैं हम लोग B option को कि un upon n may be divergent। ये series या तो diverge करेगी या converge करेगी, that we have to check। तो check करते हैं। Here we have result कि कोई दो series है a n एंड बी एन। इफ ए एन इज कन्वर्जेंट एंड बी एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस विथ लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी बी एन गोज टू जीरो। अगर इस तरह की सिचुएशन है कि कन्वर्जेंट है, तो ये कन्वर्जेंट है तो जो इसकी जो एस एन बनेगी करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज बाउंडेड बनेगी। कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो ये बाउंडेड बनेगी। देन आबेल टेस्ट सेज कि जो ए एन बी एन होगी वो हमेशा क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। दिस इज द रिजल्ट वी हैव। तो यहां पे अपने पास में ए एन क्या है, un ले ले अगर हम, bn अगर ले ले 1 upon n, then this is going to 0, इस sequence की limit आएगी वो
जीरो आएगी एंड इज डिक्रीजिंग, और यहां पे ए एन ऑलरेडी गिवन है हमें कन्वर्जेंट सीरीज, सो दोनों का प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, दैट इज यू एन इंटू वन बाई एन, वॉट इज यू एन अपॉन एन इज कन्वर्जेंट, ये जो सीरीज बनेगी वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो यूजिंग दिस रिजल्ट वी कैन से कि जो बी ऑप्शन है वो क्या है, हमेशा कन्वर्जेंट आएगा। तो दिस इज इनकरेक्ट, बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट कि वो अपसारी नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट बी डाइवर्जेंट। तो इसी तरीके से हम चेक करते हैं सी ऑप्शन, यू एन रेज टू पावर वन बाई एन डिवाइडेड बाई एन, एक और नई सीरीज फॉर्म की है इस तरह की, मे बी डाइवर्जेंट, तो दैट वी हैव टू चेक कि ये डाइवर्जेंट हो सकती है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो बी को हमने प्रूव कर चुके हैं दिस इज फॉल्स कि वो कन्वर्जेंट होगी हमेशा। सी ऑप्शन को चेक करते हैं हम, अगर हम यू एन को ये सीरीज ले ई रेस्ट पावर माइनस एन, देन यू एन की पावर जो वन बाई एन बनेगी वो क्या बनेगी, e रेस्ट पावर माइनस एन रेस्ट पावर वन बाई एन, दैट इज वन अपॉन ई बनेगी, वन अपॉन इज ऑलवेज लेस देन वन, तो बाई रूट टेस्ट, कॉशीज रूट टेस्ट होता है वो ये कहता है कि अगर यू एन की पावर वन अपॉन एन की लिमिट लेस देन वन आए तो जो सीरीज होगी यू एन इज कन्वर्जेंट, दिस इज द रूट टेस्ट। तो हमारे पास ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होती है। नाउ इस सीरीज से अगर हम ये कंस्ट्रक्ट करें जो ऑप्शन सी में गिवन है हमें, यू एन रेज़ टू पावर वन बाई एन करें अगर हम, तो ये बनेगा ई रेज़ टू पावर माइनस एन पावर वन बाई एन डिवाइडेड बाई एन, दिस विल बी वन बाई ई एन। नाउ दिस सीरीज, ये सीरीज बनाएंगे तो क्या बनने वाली है, यू एन वन अपॉन एन डिवाइडेड बाई एन इज वन अपॉन ई वन बाई एन बनेगी, वन अपॉन ई इज कॉन्स्टेंट, सो एंड वी नो दैट वन अपॉन एन पी सीरीज होती है, तो पी सीरीज डाइवर्ज करती है अगर पी लेस देन इक्वल टू वन है, इस केस में क्या करेगी ये डाइवर्ज करेगी, सो दिस इज गोइंग टू बी डाइवर्जेंट। तो यहां पे ऑप्शन में हमें यही गिवन है कि ये जो सीक्वेंस है ये जो सीरीज बनने वाली है मे बी डाइवर्जेंट, तो हो सकता है कि ये डाइवर्जेंट हो, और वी हैव एग्जांपल दैट दिस विल बी डाइवर्जेंट। तो यहां पे सी ऑप्शन इज करेक्ट कि इस तरह से अगर आप सीरीज कंस्ट्रक्ट करें यूजिंग कि यू एन कन्वर्जेंट है तो ये क्या है, डाइवर्जेंट हो सकती है, और ये अपने पास में एग्जांपल। सो हमने तीनों ऑप्शन चेक किए, तो इसमें से ए करेक्ट है एंड सी करेक्ट है, बी इज इनकरेक्ट, डी हैज टू बी इनकरेक्ट, यहां पे इसका कोई सेंस नहीं बनता है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पी एंड क्यू, पी इज ए सीरीज गिवन है जो कन्वर्जेंट है, एंड क्यू स्टेटमेंट इज लिमिट ऑफ यू एन द टर्म यू एन एन टेंस टू इन्फिनिटी इज जीरो आएगी, देन ऑप्शन की कौन सा स्टेटमेंट किसको इम्प्लाई करता है ये चेक करना है। हमें पता है कि जब भी कोई भी सीरीज यू एन कन्वर्स करती है तो जो इसकी जो पार्शियल सम की सिक्वेंस होती है एस एन, दैट इज यू एन प्लस यू टू प्लस एंड सो ऑन अप टू यू एन, वो कन्वर्स करती है। तो यहां अगर हम यू एस एन माइनस वन कंस्ट्रक्ट करूं मैं अगर, तो क्या बनेगा यू वन प्लस यू टू एंड सो ऑन यू एन माइनस वन। नाउ द लिमिट ऑफ एस एन एन टेंस टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट
से इसकी लिमिट है वो मान लेते कि एल आर, क्योंकि अगर एस एन सिक्वेंस कन्वर्ज करती है तभी यू एन कन्वर्ज करती है और हमें यू एन कन्वर्जन गिवन है इन पी स्टेटमेंट। नाउ अगर एस एन की लिमिट एल आ रही है तो लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन माइनस वन भी क्या आएगी, एल ही आने वाली है, बोथ विल बी एन। तो यहाँ अगर हम ये कैलकुलेट करें लिमिट ऑफ यू एन एन टेंस टू इन्फिनिटी इज नथिंग बट लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन माइनस वन। इन दोनों में से माइनस करेंगे एक दूसरे को, एस एन में से एस एन माइनस वन को माइनस करें, दिस विल बी यू एन एंड दिस इज वॉट एल माइनस एल, क्योंकि ये भी लिमिट आ रही है एल, वही लिमिट इसकी आएगी, सो दिस इज जीरो। तो दिस इम्प्लाइज वॉट कि पी जो स्टेटमेंट है वो इम्प्लाई करता है क्यू को ऑलवेज। अगर कन्वर्जेंट सीरीज है तो सिक्वेंस बनेगी वो जीरो को कन्वर्ज करेगी। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू दैट वी नो कि अगर हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले वन अपॉन एन, दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज, क्योंकि ये वन अपॉन एन रेस्ट पावर पी जो सीरीज होती है कन्वर्जेज इफ एंड ऑनली इफ पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन, इक्वल टू और लेस देन वन के लिए डाइवर्ज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द सीरीज वन अपॉन एन एंड सीक्वेंस वन अपॉन एन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और ऑप्शन में पूछा है कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंट के बारे में पूछा है इन सीरीज की। तो चेक करते हैं हम, सीरीज गिवन है वन अपॉन एन, तो वी नो दैट कि वन अपॉन जो पी टेस्ट होता है फॉर द हार्मोनिक सीरीज एन एस टू पावर पी इज कन्वर्जेंट इफ पी इज ग्रेटर देन वन एंड डाइवर्जेंट होगी ये सीरीज इफ पी इज लेस देन इक्वल टू वन। तो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है, वन आ रही है, सो दिस इज व्हाट डाइवर्जेंट। तो जो सीरीज बनेगी वो तो कन्वर्ज नहीं करेगी। नाउ सीक्वेंस वन बाई एन चेक करना हमें, ए एन इज गिवन वन अपॉन एन, तो यहाँ पे हम ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है अब पॉजिटिव टर्म एक तरह से, तो कोई भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी पॉजिटिव टर्म की वो हमेशा कन्वर्ज करेगी एंड वी नो दैट लिमिट ऑफ वन अपॉन एन एन टेंस टू इन्फिनिटी क्या होगी, जीरो आएगी। तो दिस सीरीज इज, तो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी बट द सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो करेक्ट ऑप्शन इज वॉट, सी ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज ये कह रहा है कि ये जो सीरीज बनेगी वो नॉट कन्वर्जेंट है बट सीक्वेंस बनेगी वो क्या बनेगी, कन्वर्जेंट होगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीरीज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन प्लस वन रेस्ट टू पावर एन इनटू एक्स रेस्ट पावर एन इज डाइवर्जेंट फॉर ऑल एक्स सच दैट, हमें एक्स की रेंज फाइंड आउट करनी है फॉर विच दिस सीरीज बिकम्स डाइवर्जेंट नॉट कन्वर्जेंट। तो हमें गिवन है यू एन इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन प्लस वन रेस्ट पावर एन एंड एक्स रेस्ट पावर एन, सो वी कैन कंप्यूट एन प्लस वन, यू एन प्लस वन विल बी एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस टू रेस्ट पावर एन प्लस वन इंटू एक्स रेस्ट पावर एन प्लस वन बनेगा। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं रेशियो टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। तो रेशियो टेस्ट में हमें ये कंप्यूट करना होता है यू एन प्लस वन अपॉन यू एन, तो ये यहाँ बनने वाला है एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस टू रेस्ट पावर एन प्लस वन इन टू, यहाँ पे बनेगा ये n प्लस वन रेस्ट पावर n डिवाइडेड बाई
एन फैक्टोरियल इंटू एक्स एस्ट पावर एन प्लस वन अपॉन एक्स एस्ट पावर एन बने। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये कैंसिल होने वाला है फैक्टोरियल, तो एन प्लस वन बचेगा केवल यहाँ पे एंड दिस विल बी कैंसिल आउट एंड रिमेन्स एक्स। सो वी कैन राइट यू एन प्लस वन अपॉन यू एन जो बनेगा वो बनेगा एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू रेज टू पावर एन प्लस वन इंटू एक्स। हमें इस रेशियो टेस्ट के अंदर लिमिट कैलकुलेट करनी होती है एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ यू एन प्लस वन अपॉन यू एन, तो ये लिमिट आने वाली है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। इसको हम इस तरीके से लिखें वन अपॉन वी डिवाइड एन प्लस टू बाई एन प्लस वन, हम दोनों साइड को न्यूमेटर और डिनोमेटर को एन प्लस वन से डिवाइड करें तो दिस विल बी वन अपॉन एन प्लस वन एंड द होल पावर विल बी एन प्लस वन एंड दिस इज मॉड एक्स, बाकी टर्म तो पॉजिटिव ही है इसमें। सो इसकी लिमिट आने वाली है एन टेंस टू इन्फिनिटी पे वन अपॉन वन प्लस, जो ये बनेगा वन प्लस वन अपॉन एन रेज टू पावर एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वी नो दैट दिस इज ई। सो यहाँ जो बनने वाला है वो वन अपॉन में ई बनेगा बिकॉज दिस क्वांटिटी गोज टू इन्फिनिटी एंड दिस क्वांटिटी गोज टू इन्फिनिटी, सो दिस विल बी वन अपॉन ई एंड मॉड एक्स। रेशियो टेस्ट ये कहता है कि अगर इसकी लिमिट, इस रेशियो की लिमिट ग्रेटर देन इक्वल टू वन है देन सीरीज विल बी डाइवर्जेंट। तो यहां पे अपने पास में आ जाएगा कि मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, दैट इज मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन ई आएगा इसमें, जो ऑप्शन में हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं दे रखी है एक्स की, सो वी विल टेक कि एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ई के लिए। तो फॉर दिस रेंज दिस सीरीज बिकम्स डाइवर्जेंट, तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज, हमने नेगेटिव यहां से नहीं ली वैल्यू एक्स की क्योंकि हमें ऑप्शन में नेगेटिव है नहीं, तो ये अपने पास में रेंज आई है वो डी ऑप्शन में है। तो फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ई दिस सीरीज विल बी डाइवर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन, हमें ऑलरेडी कंटिन्यूस फंक्शन की सीक्वेंस गिवन है डिफाइंड ऑन जीरो वन इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड है एंड इसकी जो लिमिट है पॉइंट वाइज लिमिट दिस इज कन्वर्जिंग फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जीरो टू वन ऑन एफ एक्स, हमें इसकी लिमिट भी गिवन है, देन हमें ये बताना है कि f इज कंटिन्यूस होगा, b ऑप्शन इज f इज कंटिन्यूस प्रोवाइडेड फंक्शन इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस, c ऑप्शन इज f इज कंटिन्यूस प्रोवाइडेड एफ एन एक्स इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, और d ऑप्शन में भी कुछ कंडीशन गिवन है हमें एफ एन एक्स में इज कन्वर्जेंट फॉर सम x, तो हमें ये पता लगाना है कि एफ एक्स जो बन रहा है दैट इज लिमिट वाइज जो कन्वर्जेंट इसकी लिमिट बनेगी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट दैट इज एफ एक्स एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन। सो इफ आई डिफाइन एफ एन एक्स बाई एक्स रेज़ टू पावर एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन, अगर हम ये एग्जाम्पल ले तो इस केस में जो एफ एक्स बनेगा क्या बनेगा, इसकी लिमिट आएगी अगर कोई भी एक्स वन से छोटा है बिटवीन जीरो टू वन है तो ये जो लिमिट बनने वाली है वो एक्स एस टू पावर एन विल टेंस टू जीरो, कोई भी अपने पास में नंबर है अगर एक्स ये लिमिट एक्स टेंस टू और एन टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या बनेगी जीरो बनेगी फॉर एक्स बिलोंग्स टू व्हाट जीरो एंड टू ओपन वन, वन कंक्लूड नहीं करना है वन पे, तो ये सिक्वेंस वन एस टू पावर एन बन जाएगी। सो यहाँ पे इसकी लिमिट आएगी जीरो
और केवल x इक्वल्स टू वन पे लिमिट क्या आने वाली है, वन। ये एग्जाम्पल में एफ एन एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन की सीरीज है, एफ एक्स जो आया दैट इज नॉट कंटिन्यूस, ये जो फंक्शन बना वो वन पे कंटिन्यूस नहीं आ रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट कि एफ कंटिन्यूस होगा। फिर से किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन की सीरीज अगर कन्वर्ज करती है किसी फंक्शन पे तो उस फंक्शन का कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है। सेकेंड ऑप्शन इज एफ इज कंटिन्यूस प्रोवाइडेड दैट एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस। यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस होती है कि जो फंक्शन है की सीक्वेंस है विल रिमेन लेस देन सम नंबर एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, जो भी अपने को करस्पॉन्डिंग डोमेन है। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ये जो एग्जाम्पल है सेम एग्जाम्पल, दिस इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड, आप यहाँ पे एम वन से कोई भी बड़ा नंबर है वो वर्क करेगा। सो हेयर ऑल्सो दिस ऑल्सो काउंटर एग्जाम्पल फॉर द ऑप्शन बी, यहाँ पे एफ एन एक्स है वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस है। यूनिफॉर्मली बाउंडेड का मतलब है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, जो भी करस्पॉन्डिंग डोमेन है उसके लिए एक नंबर है ये सीक्वेंस, हर एक जो इसकी सीक्वेंस बनेगी करस्पॉन्डिंग एक्स पे वो बाउंडेड होगी। सो दिस इज अगेन काउंटर एग्जाम्पल फॉर बी ऑप्शन, तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नाउ डी ऑप्शन इज एफ इज कंटिन्यूस प्रोवाइडेड एफ एन एक्स इज कन्वर्जेंट फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू यू टू, फॉर सम एक्स के लिए भी ये एफ का कंटिन्यूस होना कोई जरूरी नहीं है, ये सम का तो कोई मतलब नहीं है इसमें। कुछ पॉइंट पे अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो वैसे ये फंक्शन एफ कंटिन्यूस नहीं आएगा। फिर सी ऑप्शन इज करेक्ट क्योंकि एक रिजल्ट ही है अपने पास में कि एफ इज कंटिन्यूस प्रोवाइडेड एफ एन एक्स इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस। जब भी अपने पास में एफ एन एक्स एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है देन, अगर ये अपने पास में क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए, तो ये हमेशा जिस फंक्शन पे जाएगी प्रोवाइडेड कि ये सब कंटिन्यूस फंक्शन की सीक्वेंस हो एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग जो सीक्वेंस होती है वो जब भी कन्वर्ज करेगी तो वो कंटिन्यूस फंक्शन पे कन्वर्ज करेगी, दैट इज द रेडीमेड रिजल्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू पूछा हमें। फर्स्ट ऑप्शन इज एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, इट हैज टू बी बाउंडेड, हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो हमेशा क्या होती है, बाउंडेड होती है। सेकेंड ऑप्शन है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, मान लो हम ए एन ले लें सीक्वेंस, फिर ए एन इज माइनस वन रेस्ट पावर एन, देन दिस विल बी माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन एंड सो ऑन, यानी कि जो ए टू एन है दैट विल गोज टू वन एंड ए टू एन प्लस वन विल गोज टू माइनस वन। तो इस सीरीज जो बनेगी, ये सीक्वेंस बनेगी, इसके दो लिमिट पॉइंट आएंगे, इसकी रेंज ही क्या आ रही है, रेंज ऑफ जो ए एन है सीक्वेंस, दिस इज नथिंग बट माइनस वन एंड वन, दिस इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट, क्योंकि कन्वर्जेंट होती है तो एक ही लिमिट पॉइंट आता है, हेयर इज टू लिमिट पॉइंट। जो सारी इवन टर्म होगी वो वन को मैप करेगी एंड जो ऑड टर्म होगी उनकी लिमिट आएगी माइनस वन। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट ऐसा होना जरूरी नहीं है, वी हैव एग्जाम्पल। सो हमें नॉट ट्रू पूछा है, सिंगल करेक्ट आंसर क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑल्सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि एवरी कॉशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉशी सीक्वेंस, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी।